नमस्कार आशा डॉट कॉम, आप सभी का स्वागत है। साथ साथ कार संख्या 602602। आज हमारे साथ हैं चतुर्थ लाल जी पारा सर, गांव हड्डन लोद। दादा जी, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जय राम जी की। जय श्री राम। तो आगे बढ़ने पर नहीं मैं सकता दूँ सर, नहीं बताऊँ। एक तो वीडियो आशा डॉट कॉम संपत्ति ले लो, जो कुछ होने की ठेज जिम्मेदार होगी वैसे हमारे खत्म तक मिलो। ये बार आप इंटरनेट पर एडिट की अपलोड करने उठाओ को नहीं। दादा जी, आप शुरुआत में पारिवारिक परिचय सु तो बताओ जी, यहाँ माता पिता को नाम, दादा दादी जी को यहाँ बताओ देने। मेरी माता का नाम बसंती देवी, जी पिताजी का नाम नागरदत्त जी, ठीक। दादाजी का नाम? दादाजी का नाम मेरा कन्हैयालाल जी, कन्हैयालाल जी। और दादी जी का? दादी जी का नाम महादेवी। महादेवी, ठीक। और पीछे याद है? पीछे याद है? पर हाँ, दादाजी का याद है? पर दादाजी का नाम तनसुख राय जी। तनसुख राय जी, ठीक है। और ननिहाल कौन सी जगह है? ननिहाल पिलानी। पिलानी। नाना नानी जी का याद है नाम? नाना नाना जी का नाम याद है, बताएं। जय सयाल जी, और नानी का नाम है सरस्वती। ठीक। ससुराल कौन सी जगह है? ससुराल मंडावा है। सास ससुर का नाम? सास ससुर का नाम, ससुर का नाम आत्माराम है। जी जी। और सास का नाम सुमित्रा देवी। ठीक। संतान? आपके संतान? संतान दो लड़की है, दो लड़के हैं। नाम क्रम से? क्रम से लड़की का नाम है श्यामा और दूसरे का नाम है मयंक। मयंक, ठीक। अच्छा, और श्यामा और मयंक, और दो बताए ना, दो लड़के, दो लड़के। हाँ, दो और रह गए बताए। दो लड़के हैं। हाँ बताए। एक का नाम है विकास और एक का नाम है नरेंद्र। अच्छा, तो मयंक लड़की का नाम है। हाँ वैसे हम तो लड़के का नाम होता है ना। तो अच्छा, एक बात बताएं कि धर्मपत्नी का नाम क्या है? धर्मपत्नी का नाम है निर्मला देवी। निर्मला देवी, अच्छा अच्छा। थोड़ा जोर से बोलो। और बहन भाई कितने आप? बहन भाई हैं हम, तीन बहन हैं, पांच भाई। तीन बहन पांच भाई। क्रम से नाम? क्रम से नाम भाई है राम निवास, मुरारी लाल, और मैं तीसरा नंबर चतुर्थी लाल, चौथा नंबर राधेश्याम, ठीक, पांचवा नंबर विनोद, ठीक। आपकी पढ़ाई लिखाई शैक्षणिक कुछ होंगी? मैं प्री यूनिवर्सिटी पास हूँ। प्री यूनिवर्सिटी? हाँ। अच्छा, मतलब कि जैसे कोई उपाधि मिलती है शास्त्री वगैरह, ऐसे क्या बोलते हैं? प्री यूनिवर्सिटी पास हूँ। अच्छा, ठीक है। तो किस विषय से? कॉमर्स। कॉमर्स से? अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात मनसा की वो वैसे करते हैं संस्कृत से वैसे। चलो, तो अच्छी बात है। तो बाद में पढ़ाई लिखने करने के बाद में आजीविका के लिए? आजीविका के लिए वैसे तो मैं टेलीग्राफिस्ट की ट्रेनिंग किया हुआ, ठीक, लेकिन नौकरी नहीं मिली। नौकरी नहीं मिली। और गोइन का अस्पताल है, उसमें काम किया है 25-30 साल। अच्छा अच्छा अच्छा। और वैसे मैं गाने बजाने का काम भी करता हूँ। अच्छा अच्छा, आपको वाद्य यंत्र का और संगीत का बड़ा शौक है। तो कोई विधिवत शिक्षा ली कि मतलब कि स्वतः स्कूल? नहीं, हमारे परिवार की। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो अच्छी बात है। क्या कहते हैं जी, खून में है मतलब पढ़े मतलब। तो ऐसे राग वगैरह सब शास्त्रीय संगीत। तो आपके प्रिय मित्र? प्रिय मित्र मेरा एक पोस्ट मास्टर था। अच्छा, अब रिटायरमेंट है। वो आपके प्रिय मित्र हैं। तो ये जो अभी एक वो जैसे गाने वगैरह चलते हैं उसमें बोलते हैं ना सुर ना ताल, अलग 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 उनकी भी कैटेगरी है, श्रेणी है, लेकिन आमतौर पर हम जो है कहते हैं कि भाई इसमें जैसे कि आजकल वाद्य यंत्रों का ज़्यादा सहयोग है। जैसे कि किसी की आवाज़ अगर ख़राब भी है ना, तो वाद्य यंत्रों की सहायता से उसको अच्छा बना के प्रेस हाँ, कर देते हैं। हाँ, अब क्या है कि पहले तो रियाज बहुत ज़्यादा करना पड़ता था, अब ज़्यादा रियाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वाद्य यंत्र ही इस तरह के हैं, वो डेवलप कर देते हैं आवाज को। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की, जैसे कि बूढ़े बुजुर्ग जो गुरु होते हैं उस्ताद सिखाने वाले, उनकी आवाज़ थोड़ी फटी हुई से पान खाने वाले से सी होती थी, फिर मतलब आवाज़ मायने रखती है। अगर आप गाना सुंदर सुनना चाहते हैं लेकिन गाना लय में सुनना चाहते हैं, आवाज़ मायने नहीं रखती। आपको गाने का मतलब कि ताल का अभ्यास कितना वो मायने रखता है जी। हाँ, देखो, हाँ, और ताल दोनों का मेल होता है। ताल तो है समय का नाम,
और स्वर है वो सरस्वती की देन है। तो ये जो घराने बना लेते हैं, हाँ फलाना घराना फलाना, हाँ मैं तो समझ के बाहर है, लेकिन हाँ, आपका आपके हिसाब से आप कौन से वो घराने में लिख सकते हैं? वो घराना अपना खुद का है। अच्छा अच्छा खुद का है। अच्छा 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 होता है क्या? क्या नाम, क्या नाम रखा, नाम है कुछ? गढ़ के पीछे रहता नाम, जहाँ पे गढ़ है उसी का घराना नाम रहता है। अच्छा 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 ये बात है। तो प्रोग्राम देने के लिए जैसे कि क्या होता है कि जिसकी जो जितनी सुगंध फैलती है ना उसको उतनी ज़्यादा दूर दूर बुलाते हैं लोग, तो आपको भी आपके जैसे किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में दूर, मैं तो बहुत दूर दूर गया हूँ। अच्छा कहाँ कहाँ? बहुत दूर दूर गया हूँ, मतलब पूरे हिंदुस्तान में घूमे? खूब दूर। अच्छा अच्छा कलकत्ता, मुंबई। तो वैसे वैसे तीर्थ यात्रा की भ्रमण किया है कहीं? भ्रमण भी खूब किया, खूब किया है। अभी सुना कोई किसी मंदिर के पूजा वगैरह करते हैं? हाँ। कौन से मंदिर की? यहाँ सत्यनारायण भगवान का मंदिर है। अच्छा अच्छा तो कितना पुराना है? 111 साल पुराना। क्या कैसे स्थापना है बताएंगे? यहाँ गोविंद का परिवार है। अच्छा इस गांव का सेठ परिवार है, उसमें हरिराम जी गोविंद का हुए, अच्छा उनकी स्थापना करवाई हुई है इस मंदिर की। और सत्यनारायण भगवान का मंदिर है, वैसे बताते हैं सत्यनारायण भगवान, लेकिन विष्णु भगवान का मंदिर है। विष्णु भगवान का, हाँ हाँ, सत्यनारायण भी तो भगवान विष्णु का होता है। विष्णु का ही। तो अभी थोड़ा सा ढूंढलोद अपना जो है इसके बारे में बताएं ना। ढूंढलोद गांव है, ये तकरीबन लगभग 250 साल पुराना है। अच्छा। और झुंझुनू जो रियासत थी उसकी पांच पांती बनी हुई है, पांच हिस्से। हाँ, नवलगढ़, ढूंढलोद, खेतड़ी, सूरजगढ़ और बिसाऊ। बिसाऊ, अच्छा, इन पांचों को मिलके झुंझुनू का था। हाँ, अच्छा अच्छा। और ये ढूंढलोद है 250 साल पहले बसा हुआ है। तो किसने बसाया? ये ढूंढलोद बसाया हुआ है शिव सिंह जी का। शिव सिंह जी का, अच्छा अच्छा इसका नाम जो है ढूंढलोद इसलिए है कि ये टिल्ले पर है। अच्छा अच्छा डम डोड़ो कहते हैं डोड़े। हाँ, पर डोड़े पर है, इसलिए इसका नाम ढूंढलोद है। ढूंढलोद है, ये बात है। हाँ, ऊंचाई पर है ना। वैसे इसका पहले इसका नाम शिवगढ़ था। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ढूंढलोद कर दिया। ढूंढलोद कर दिया, अब ब्रश कर लीजिए, बदल गया नाम। पहले भी ढूंढलोद था और बीच में शिवगढ़ हो गया, उसके बाद फिर इसको वापस ढूंढलोद कर दिया। तो काफी पुरानी पुरानी हवेलियां, सेठों का लगता है पूरा। हाँ, गोविंद का सेठ यहाँ। लेकिन एक बात मैं कई वीडियो में उठाता हूँ कि जैसे पहले कुछ सेठ थे, साहूकार थे, उनके दान धर्म में बहुत ही रुचि होती थी। हाँ, देखो यहाँ गोविंद का जी का हॉस्पिटल पहले तो फ्री चलता था, ठीक, दवा वगैरह सब हॉस्पिटल अच्छा, से मिलती अच्छा, थी। अच्छा, अच्छा। और एक संस्कृत स्कूल थी और एक 10वीं तक का स्कूल था, हाई स्कूल बोलते हैं उसको, और वो भी बहुत अंग्रेजों के ज़माने से ही था। हाँ, पुराना का पुराना। और औषधालय भी था यहाँ, अब औषधालय तो बंद हो गया और हॉस्पिटल चालू है, स्कूल चालू है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि पहले जो शेर साहूकार थे उन्होंने जो चीज़ें से कुएं बावड़ी बनाना, धर्मशाला बनाना है, हॉस्पिटल में स्कूल, खूब दान दिया, सड़कें बनाना है, ठीक है। अब जो है मुझे कई बार कहता हूँ, हंसी आती है, अब उनके जो बच्चे हैं ना वो इस चीज़ को ढूंढते फिरते हैं कि हमारे दादाजी ने कहीं छोड़ी थी, कहीं कुछ बेच बाच के होटल वगैरह कर ले या कुछ को परिवर्तित कर ले। अब क्या है कि अब ये जमाना लोभ का हो गया, खत्म हो गया, जी जी हाँ हाँ। अब परोपकार का जमाना नहीं रहा है। परोपकार का जमाना क्यों नहीं रहा है कि इनकम टैक्स जो है ना वो सरकार बहुत ज्यादा लेती है, उसको बचाने के चक्कर में काला धन इकट्ठा करते हैं और परोपकार खत्म हो गया जी। पहले इनकम टैक्स कम था इसलिए परोपकार भी करते थे ये लोग, अपरोपकार पर ध्यान नहीं देते। तो ये जो कर जो है, टैक्स है, ये अगर ज़्यादा होते तो कुछ बढ़ता है ना, भ्रष्टाचार भी बढ़ता है, बेईमानी बढ़ती है ना, महंगा। अच्छा, लेकिन
हमारे यहाँ हिंदुस्तान में क्या है कि कर देने वाले जो हैं वो बहुत कम है। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तान नहीं है क्या? हाँ हाँ नहीं नहीं अपना होगा ना, अपना क्षेत्र में कहना मतलब कि कर देने वाले जो हैं उनकी तादाद बहुत कम है। बहुत कम है, 3-4% बताते हैं कोई। हाँ नहीं, ये तो बेचारे सरकारी नौकर हैं, ये तो कहाँ जाएंगे? हाँ, कहाँ जाए, उनका तो रिकॉर्ड है, हम ले लेते हैं। तो रिकॉर्ड है, बाकी इनका किसी का रिकॉर्ड नहीं है। उनसे ज्यादा कई बार समोसे वाले कमा लेते हैं। हाँ है ना, हाँ वो साफ साफ रह जाते हैं, छूट जाते हैं। हाँ हमारे यहाँ एक ब्राह्मण है, बम्बई में समोसा की दुकान कर रहा है, खूब समोसा बिकता है। खूब बिकते हैं, खैर मौके की जगह होती है ना, इसलिए अपने कला भी होती है अपने हाथ की। अच्छा एक बात बताएं कि धर्म जो है ना, धर्म कहते हैं कि धर्म जो है वो प्रेम सिखाता है। मैं भी मानता हूँ कि धर्म प्रेम सिखाता है, धर्म माने तो प्रेम सिखाता है, नहीं तो अगर ज़्यादा धर्म वाले एक जगह उठे तो झगड़ा पहले शुरू होता है, प्रेम तो बाद की बात है, झगड़ा पहले शुरू होता है। नहीं धर्म में तो झगड़ा नहीं है, धर्म में नहीं लेकिन उनके मानने वाले अनुयायी में झगड़ा नहीं है, मजहब में झगड़ा है। मजहब में झगड़ा है, धर्म में झगड़ा नहीं है। अब जैसे हम बोलते हैं भगवान, भगवान का मतलब है जी ये पांचों तत्व है ना, आकाश, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, इनको मिला करके भगवान है। तो अपना जो धर्म है सनातन धर्म जिसको कहते हैं वो प्रकृति का धर्म है। अच्छा जी, आपको नहीं लगता कि इसमें जैसे कि आप देखते हैं नित्य टीवी में प्रोग्राम आते हैं, लोग उनको देख देख के अपने बना रहे हैं, वो उनको अनुसरण कर रहे हैं, तो आपको लगता है जैसे कुछ कई कई बार क्या होता है, कोई जैसे बाबा संत पैदा, बाबा नहीं मतलब कथावाचक पैदा हो गया, उसने अलग ही तरह की धारा चला दी, तो लोग कुछ भ्रमित से नहीं लगते? हाँ तो वो मजहब है, वो धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है। जैसे मजहब किसको कहते हैं? एक पंथ हो गया ना। हाँ पंथ, उसकी मजहब की एक तो किताब होती है, एक विचारधारा लगभग होती है, और एक ही विचारधारा होती है, और एक ही उसका गुरु होता है। हमारे यहाँ तो बहुत गुरु हैं, और उसमें सुधार की गुंजाइश भी नहीं होती, उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं, वो कह दिया सो वो अटल है बस। ये जैसे कुरान है तो ये मुसलमान कहते हैं कि कुरान में जो लिख दिया वो सब अटल है, उसमें हर्फ का भी इधर उधर नहीं हो सकता। नहीं वैसे भी ईसाई भी वैसे वो ही करते हैं, अगर करते हैं वैसे ही करते हैं, और भी कुछ छोटे वैसा ही जैन है, वैसा ही बौद्ध है, वैसे ही है। हाँ अपने यहाँ जिस अपने यहाँ अगर जो जो समस्या आई उनके हिसाब से टीका लिखती गई, उनके हिसाब से ग्रंथ लिखते गए, उनके हिसाब से संतों ने अलग अलग जो है विस्तार देता गया। ये तो अपने ही है, ये जो मजहब है जैसे जैन है, सिख है, और ये बौद्ध है, ये तो अपने ही है, ये तो स्थानीय सनातन में से निकले हुए हैं, सनातन के रूप हैं ये तो, बाहरी तो ये दो ही हैं। अच्छा एक बात बताएं, ये जो जैसे ब्राह्मण जो हैं, ब्राह्मण राजपूत और वैसे मतलब जो बढ़िया थे कहते हैं, इनको जो पहले और ये जाट भी थे ना, तो अभी उनको सामान्य में थे लेकिन ये तो निकल गए, अभी जैसे ब्राह्मण और वैसे और क्षत्रिय तीन रही है ना, तीनों को सामान्य में है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है, उसकी दयनीय स्थिति है, घर में दीवार भी है नहीं, खाने के लिए भी लाले हैं, लेकिन ब्राह्मण के घर पैदा हो गया, अब उसको तो नौकरी मिलने से रही, उसका तो पैदा होना ही बस, तो उसी लिए तो मैं रह गया और जिस टेलीग्राफिस्ट की ट्रेनिंग किया हुआ रह गया, और जिसके जैसे मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है, और मान लीजिए ब्राह्मण के लड़के के 85 आए, 90 आए, और 75 में मेरिट खत्म हो गई मान लीजिए, और जो दूसरा जो भी माला हमारे, मैं भी ओबीसी माला आरक्षण आता खूब ही है, उसका -15 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, और पद खाली तो उसको 2 वाला -15 वाला भी जाएगा, 85-75 वाला रह जाएगा। नहीं वो वहाँ तक तो ठीक है, योग्यता तो ठीक है, लेकिन जो फिर आगे जो बढ़ाते हैं ना, हाँ पदोन्नति कहते हैं, पदोन्नति करते हैं ना, वो बहुत गलत है, उसमें नहीं होना चाहिए, वो बहुत ही गलत, उसमें अगर अगले का अनुभव है तो आए, नहीं तो नहीं, नहीं नहीं तो नहीं आए, उसमें भी आरक्षण है ऐसे, उनको पता चल रहा है ना कोरोना में, डेंगू पता चल रहा है अभी। फिर उससे क्या होता है कि जो अगर जाहिर सी बात है कुशाग्र बुद्धि नहीं होगा तो प्रबंधन में वो असमर्थता होगी, और खामियाजा तो अपने देश को भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। जैसे
कम नंबरों से इंजीनियर बन गया और उसने पुल बनाया तो गिरेगा, गिरेगा उद्घाटन से पहले, कैसे होगा? तो नुकसान हुआ है, नुकसान होगा तो मतलब देश का भी, कंपनी का भी, अपनी जान का भी, लोगों का भी। दरअसल में बाबा साहब अंबेडकर ने इस आरक्षण को 10 साल के लिए ही रखा था, उसमें दयनीय स्थिति थी, वास्तव में क्या है कि इन्होंने इसको वोट राजनीतिक एजेंडा बना लिया, से परमानेंट कर दिया इसको, फिर भी ये 10 साल से रिव्यू होता है, 10 साल से इसको आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन ये उचित नहीं है। अच्छा एक बात बताएं, जैसे हमारी जो संस्कृति विरासत है तो लोग कहते हैं जी समय बदल गया, बड़े बुजुर्ग सेवा भाव बदल गया, परिवार एकांकी हो रहे हैं, है ना, बड़े परिवार जो है ना वो छोटे हो रहे हैं, हाँ, और कह रहे हैं कि जी अपराध भी है, बढ़ोतरी होती है, तो ये आपको नहीं लगता कि समय के हिसाब से ही बदल रहा है कि या कुछ सांस्कृतिक परिवर्तन वजह इसकी? मतलब क्या है कि दरअसल बात ये है कि परिवार बड़ा होता था ना, संयुक्त परिवार होता था, उसमें पारिवारिक दबाव रहता था, दबाव और एक पारिवारिक एजेंडा होता था, और संस्कार देने वाले मौजूद, संस्कार देने वाले मौजूद रहते थे, नाना नानी दादा दादी वो कहानियों के द्वारा उनको संस्कार देते थे, अब तो कोई संस्कार का तो काम नहीं है, ना ना सुनने की उम्मीद है, बच्चा पैदा होता है और कुछ वो समझने लगता था, 8-10 साल का होता है, उसको हॉस्टल में डाल देते हैं, तो वहाँ वो संस्कार वो ही मिलेंगे। मैंने आपसे आपके मित्रों के नाम पूछे, भूल गए, पूछे थे, पूछे थे नहीं, पूछे मुझे याद नहीं है, पूछे थे मित्र के नाम। अच्छा अच्छा ठीक, अच्छा आपका ये जो डुमलोद है, जब आप बच्चे थे तब से देखा आपने, कितना उस परिवर्तन आया है? बहुत परिवर्तन आया है, जैसे हमारे घर के आगे कोई बस्ती नहीं थी। अच्छा हाँ, हमारे घर के आगे कोई बस्ती नहीं थी, तब तो सब ऐसे लग रहा है पुराना, काफी सालों से बना हुआ, ऐसे बना हुआ है, कोई बस्ती नहीं थी हमारे इस घर के आगे। अच्छा ये जो अवैध अतिक्रमण होता है, उससे समस्या तो अपने आप को भी होती है, खुद को भी होती है। भाई हमारे बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, वो जगह नहीं होती है, चारागाह की जगह वो नहीं होती है, गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं होती है, कोई अगर शादी ब्याह होती है वहाँ जगह नहीं होती है, तो होती है ना? ये समस्या होती है, जैसे ये है, ये सड़क तक है, और अगर मैं इस सड़क तक आ जाऊँ, इसको रोक लूँ, तो छोटे बच्चे आपके ही समस्या होगी, यहाँ जगह रखी है, अपने काम आएगी, शाम को यहाँ खटिया भी डाल लेते हैं, बैठ भी जाते हैं, कोई यहाँ दूसरा तो आता नहीं, नहीं आता जी, नहीं आता, ठीक है। अच्छा दादाजी, पुराने ज़माने में कुछ बातें भूलने आपको, क्योंकि पढ़े लिखे तो आपको याद है ना, किसी को याद ही होती, ऐसे बताइए आपकी शादी आपको याद है? बिल्कुल। तो अभी आयु कितनी आपकी? अभी मेरी आयु है 72 साल। 72, और शादी हुई थी कितने साल के थे आप? 25 साल का था मैं, मेरे पिताजी छोटे की शादी नहीं करते थे। अच्छा, मैंने एक जने का सुना था, शायद वो मुरारा जी महर्षि थे रतन नगर के, उन्होंने बताया कि 20 साल की और आपके 25 की, तो उस जमाने में तो 12-13-8-7 ये सामान्य था ना, पहले कर देते, तो 25 साल की शादी की, और याद है शादी अच्छी तरह? बिल्कुल। तो खाने में क्या क्या था? खाने में 2 टाइम भोजन दिया था। और क्या क्या बना था आपको याद है? तो ये लड्डू पेड़े पर चक्की बोनिया भजिया है। अच्छा, तो आपको उस टाइम कुछ भाव याद है चीज़ों के भाव याद है? भाव तो मेरे बहुत पुराने याद हैं। बताओ। जैसे मैं 8-9 साल का था, तब 6 रुपये शेर देसी घी आता था, 6 रुपये, 16 रुपये मण फार्मी गेहूँ था, फार्मी गेहूँ। अच्छा हाँ, मेरे पिताजी गंगानगर के आगे एक गांव है मिर्जा वाला कहते हैं उसको, वैसे उसका नाम है पृथ्वीराजपुरा। अच्छा, वहाँ स्कूल चलाते थे। अच्छा अच्छा, स्कूल पढ़ाते थे, वहीं रहते थे हम। आप वहाँ रहते थे? हाँ। तो यहाँ कितने बड़े हुए तब आए यहाँ? यहाँ तो मैं 5 से 6 क्लास में आया।
तो वो क्षेत्र कैसा लगा? ठीक था? इससे हमारे से विकसित था कि नहीं? पीछे था, सिंचाई होती है वहाँ। हाँ, सिंचाई होती थी नहर की ना। हाँ, तो गंगा नहर है ना, उससे सिंचाई होती है। कोई साधन चलाना सीखा आपने, गाड़ी मोटर? नहीं नहीं सीखा, साइकिल चला लेता हूँ। तो कोई एकादा कोई, अगर हालांकि मुझे पता थोड़ा सा सांस की समस्या है, लेकिन अगर कोई एकादा कोई राग वगैरह कोई गाना कोई अगर गा सके तो? नहीं, जोर पड़ता है? जोर तो पड़ता है। हाँ, जोर पड़ता, रहने दें, फायदा नहीं है ना। तो दिनचर्या कैसी है आपकी? दिनचर्या है, सुबह 4 बजे उठता हूँ, स्नान कर लेता हूँ, फिर मंदिर चला जाता हूँ, मंदिर से वापस आ जाता हूँ, शाम को फिर चला जाता हूँ इधर उधर। अच्छा, एक बात और पूछूँ आपसे, आप क्योंकि आस्तिक आदमी हैं, लेकिन क्योंकि आप समाज का हिस्सा हैं तो यहाँ काफ़ी तरह की खोपड़ियाँ रहती हैं, नास्तिक भी रहते हैं, उत्तर की भी रहते हैं, तो कई कई मंदिर में कई बार बहस करने आ जाए, भाई भगवान को किसने देखा है ना, और तू क्या कर दे, मैं तेरे भी अभी ऐसा कर दूँ तो भगवान तेरे को बचाने आ जाएगा क्या, इतनी लोग मरते हैं तो भगवान क्यों नहीं आता, काफ़ी तरह के प्रश्न होते हैं, और ये दुनिया का क्या होगा ऐसे, तो तुम्हें क्या आगे का पता चलता है, तुम्हारे भगवान कैसे ज़मीन पर आ सकते हैं? देखो, मैं आपको बताऊं, तो उनको क्या जवाब देते हैं? मेरी एक घटना बताता अच्छा हूँ। बताएं। मैं हनुमानगढ़ जिला में सूर्य वाला गांव है, ठीक है, उसमें रहता था। वहाँ मेरी टेलीग्राफिस की ट्रेनिंग हुई थी, तो वहाँ एक ओवरसीयर था, वो आर्य समाजी था, नास्तिक था वो। कौन था? को ओवरसीयर, ओवरसीयर, अच्छा अच्छा नहर पर, समझ समझ गया समझ गया। और मेरी ट्रेनिंग नहर में ही। हाँ ठीक है ठीक, वो नास्तिक था। हाँ, वो नास्तिक था। मैं सुबह संध्या करने के लिए बैठता तो सूर्य भगवान को अर्घ देता, अर्घ देता तो वो हंसता, देख क्या क्या कर रहा है, हंसता, वो खूब हंसता। मैं बोला, एक रोज में बोला, तू कवात का हंसता क्यों है? बता तो सही, राज गया। मैं बोले, मैं तेरी मूर्खता पर हंसता हूँ। मैं बोले, मूर्खता कैसे हुई? बोले, बस ये जल देना है, किसको देता है? कौन दिखता है? मूर्खता पर हंसता हूँ। फिर एक रोज वो फिर हंसा, मेरे को क्रोध तो आया नहीं, लेकिन मैंने उसको अपशब्द कहे। अच्छा, अपशब्द कहे, मन व्यथित हो गया। उसकी माँ बहन के लिए अपशब्द कहे। तो वो बोला, बोला ऐसा है, मैं लठ मारूंगा, ये है वो है, तन गया। हाँ, तन गया वो। मैं बोला, यार तू क्यों तनता है? हाँ, बता दो सही है। बोले, तूने गाली निकाली है? मैंने गाली निकाली है, तेरी माँ कहाँ है? हाँ, बता। तेरी बहन कहाँ है? हाँ, हाँ। बोले, वो तो फाजिल का है, तो मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मेरी गाली तेरी माँ बहन तक पहुँच गई क्या? बता दो सही। बोले, तुम्हारी भावना तो गई ना, बस वही। मैं बोले, इसलिए मैं जल देता हूँ, मेरी भावना सूर्य तक गई। बस ये जल गया उस तक, सही है। जैसे मेरी गाली तेरी माँ बहन तक गई है ना, वैसे ये मेरा जल सूर्य तक पहुँच गया है। बड़े ना, सही बात है। ऐसे कहते हैं कि हमारे यहाँ मारवाड़ी में कहावत है, ऊ तो रोज होता है। मतलब कि भाई जैसे होता है, अब अगर उसे अगर आप इस तरीके समझा, समझ में आया, तो यही सही। सही है। अच्छा, इसमें एक चीज आपने नोट की, आर्य समाजी जो हैं वो विवेकानंद जी ने, दयानंद जी क्या है, वो निकले तो सही, आगे तो गए, लेकिन वेद से आगे वो भी नहीं जा पाए। नहीं, वेद से आगे तो उनकी हिम्मत वो नहीं है कि वेदों को भी नकार दे, वो उनकी भी नहीं हुई। नहीं, वेद से आगे तो जाने का सवाल ही नहीं है। नहीं नहीं, उन्होंने मूर्ति पूजा को चलो ढकोसला बता दिया। हाँ ठीक है। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ, वो फिर उनको छोड़ के कुछ और बताते तो मानते नहीं, तो उनको एक धारणा है। धर्म क्या है? धारण करने का नाम है, धर्म धारण करने का नाम है। वो अपने पिता के साथ शिव मंदिर में गए, दयानंद सर बच्चे थे तब, पिता के साथ शिव मंदिर में गए, शिव के ऊपर चावल चढ़े हुए थे, ठीक है, और एक चूहा उन चावलों को खा रहा था। तो उनके दिल में आया कि ये चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, ये हमारी क्या रक्षा करेगा। लेकिन उस ये भी समझ सकता था कि ये कैसा शांत है,
जो तू अभी यहाँ आराम से भोजन कर रहा है, सृष्टि का ये भी समझ सकता था, इसी सृष्टि का हिस्सा है ना। और अपने दूसरी बात ये कि अपने शिव शिव के समान तो कोई है ही नहीं। क्यों? कि शिव के गले में सांप है। और कार्तिक स्वामी है उनका लड़का, उसका उसकी सवारी मोर है। देवताओं को जब कुछ नहीं मिला विष पिलाने के लिए तो शिव नहीं मिले नहीं, मोर है उसकी सवारी मोर है, सही है। तो सांप मोर को बैर है, बैर है सांप का मोर से बैर है। गणेश है उसकी सवारी चूहा है, चूहा और सांप का बैर है। पार्वती है उसकी सवारी सिंह है, और खुद शंकर भगवान की सवारी बैल है, तो उनका भी बैर है, बैर है। तो देखो विषम होते हुए भी सम है वहाँ पारिवारिक। हाँ सही बात है, सामंजस्य जो है ना, कितना अच्छा रूप है ये हमारा धर्म है। अच्छा आपको नहीं लगता कि जो रूपक बनाए गए हैं धर्म में, कई बार क्या होता है कि आने वाली पीढ़ी को पता नहीं होता है, वो बस उसको मतलब उसको अनुकरण किया जाती है। अगर कोई कारण पूछे, हम पाँव लाते हैं ना खाट पर बैठे बैठे, कहते हैं पाँव क्यों ला रहा, नहीं नहीं शाम को भारी झाड़ू नहीं निकाले। अब कारण इसके पीछे क्या था, मान लो पुराने ज़माने में लाइट नहीं होती थी तो झाड़ू निकाले कुछ चीज़ें निकल गई कचरे के साथ, है ना। अभी लाइटें हमारे पास, ठीक है, हमें पाँव नहीं हिलाना, नमक जैसे हम नमक गिरा देते कहते आँखों से उठाना पड़ेगा, कुछ तो भय के साथ, कुछ जो भय के साथ नहीं है, ये कारण है। कारण, लेकिन कारण बहुत जगह लोप हो गए, पता ही नहीं होता। जैसे पहले कहते थे अरे पानी बेकार मत ढोल, सही है, इसका लेखा देना पड़ेगा, वो लेखा आज मिलता है, मिल रहा है ना, है पानी जमीन का भी खत्म हो गया, खत्म हो गया, अति सिंचाई किया ना हमने, नीचे खार आ गए, वो फ्लोराइड वगैरह आ गए, पीने लायक ही नहीं, पीने लायक ही नहीं, वो अपने लिए नहीं था वो पानी नीचे जहर का। हाँ तो क्या है कि ये परंपराएं जो है ना उनमें, हाँ रहस्य है, रहस्य है। जैसे मंदिर है, मंदिर में तांबे का पात्र रखते हैं, तांबे का ही क्यों रखते हैं, लोग और किसी धातु का क्यों नहीं है, सही है। तांबे का इसलिए है, तांबे में पानी रहेगा वो पानी शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा और भी शुद्ध हो जाएगा, गुणवत्ता सुधार हो जाएगी, हाँ पानी की गुणवत्ता सुधार हो जाएगी, वो पानी पीने में भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। जैसे पहले यात्रा करते थे, नदी आती थी बीच में, नदी पार करते थे तो उसमें तांबे का पैसा डाल देते थे, क्यों डालते थे, खुद भाई पांव से चलते थे, गंदा होता था और वो उसमें वो उतना काम करता, सिक्का उसको सही कर दे। अब लोगों ने अब देखिए ये यहाँ परिपाटी होती है, यहाँ अंधा, अभी सिक्के बदल गए, सिक्का तो, लेकिन वो लोग वैसे डाल रहा, उनको मतलब नहीं रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं ये कहना चाहता था कि चीज़ें शुरू तो किस मकसद से हुई, लेकिन बाद में उसका रूप परिवर्तन हो गया। चांदी भी डालोगे तो अच्छा है, चांदी कहाँ है, चांदी का भी सिक्का था पहले, सोने का सिक्का था, वो भी पानी को शुद्ध करता है। चांदी सोना तो बस मिला खिलाते हैं ना पंडित, वो वैद्य खिलाते हैं ना, अच्छा शरीर वो भी शुद्ध करता है पानी को, तांबे तक सही है, उसके बाद में नहीं, उसके बाद में कचरा है। तो ठीक है जी, टाइम दियो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और भी आते हैं व्यस्त आदमी, और थोड़ा सा ध्यान रखे उस शरीर को, क्योंकि देखो स्वास्थ्य आपका आपको हाथ में है, कोई नहीं भैया खान पान में क्या करो, मैं तो लुखी रोटी खाता हूँ, दाल लुखी रोटी, फिर बम थोड़ा उन्होंने फिर ही लोगे, हाँ फिरता हूँ, सूझ बम दिख, ठीक है ना, ठीक है, चश्मा भी रखता हूँ, खैर वो तो है उम्र गया, चलो बढ़िया, भगवान ने दिया है और टापना बैठे रहो और स्वस्थ रहो, क्यों आई मेरी प्रार्थना है, बहुत बहुत धन्यवाद, जय राम जी।